हाय गाइस व्हाट्सअप। मैं आज इस वीडियो से पहले आपसे सिर्फ एक मिनट आपका लूँगा। मुझे पता है आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ। कुछ केसेस मैंने सुने उत्तर प्रदेश में, कुछ केसेस मैंने सुने जेएनके के। इतना दुख हो रहा है सुन के कि क्या हो रहा है सर हमारी कंट्री में। रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर, जेंडर के नाम पर कितना ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं एक दूसरे का। मैं ये पर्टिकुलर वीडियो, ये पर्टिकुलर ऐसे डेडिकेट करना चाहता हूँ हर उस व्यक्ति को जिसको कहीं ना कहीं इस घटिया सोच की वजह से चोट पहुँची है, नुकसान हुआ है। किसी के पिताजी को मार दिया गया, यहाँ पे एक 8 साल की बच्ची का रेप कर दिया गया, मंदिर में उसको छुपाया गया, मंदिर में कहीं पे इसको रिलीजन से रिलेट करने की कोशिश की जा रही है। आई एम जस्ट यू नो फेड अप। मुझे बहुत समय लगा ये वीडियो बनाने में क्योंकि मुझे बीच बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी ये सब सुन के। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलके कुछ बदलाव ला पाएंगे। और ये जो सब हो रहा है ना, इस वजह से हम सब बदनाम हो रहे हैं, हमारा पूरा देश बदनाम हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाएं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिलीजन के नाम पे या किसी और चीज़ की वजह से, अपनी एक थोड़े से लस्ट की वजह से आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। चेंज हम लोगों को ही करना पड़ेगा और एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मीडियम। एंड बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ यार, आई डेडिकेट दिस वीडियो टू द रीसेंट थिंग्स, टू द रीसेंट जिन लोगों को बहुत सफरिंग हुई है इन चीज़ों की वजह से। ऑल द बेस्ट गाइज। वीडियो देखिए, पूरे दिल से बनाइए, अच्छी लगेगी। बाय बाय, टेक केयर। हे गाइज व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करेंगे ऐसे 701 के बारे में, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सब पूरे पूरे चांसेस हैं आईपीसीसी फाइनल में, इसमें से एक आधा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे, बाद बाद में आपको क्वेश्चन बताता रहूँगा कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको ट्रू फॉल्स में पूछेंगे, इसको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा, हर पार्ट में सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा। 4 पेज के छोटे से नोट्स हैं, नोट्स सर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। नीचे मैं टेलीग्राम का आपको दे रहा हूँ लिंक, जाइए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और आज मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक और चीज लीक करने वाला हूं, तो जरूर 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 ज्वाइन कर लीजिएगा उस टेलीग्राम ग्रुप को। और साथ ही साथ में सर, अगर हम नवंबर की क्लासेस लेना चाहते हैं, नवंबर 2018 की, तो धीरे धीरे हम सर क्लासेस जो है अपलोड करते जा रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके नवंबर 2018 के सेक्शन में जाके GST की क्लासेस भी ले सकते हैं। GST की दोनों हैं, ऑनलाइन पेन ड्राइव और DT के भी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। HC 701 में हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, की ऑडिट मैटर्स पे, राइट। प्यार से बच्चों हम लोग इसको बुलाएंगे कैम्प। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने पास खोले हुए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि की ऑडिट मैटर्स क्या होता है और कितना आसान है, और एग्जाम में सर इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के, राइट। सो पहले तो एसए नंबर कौन सा है, 701। कल हमने पढ़ा था एसए 700, आज हम पढ़ रहे हैं 701। और 701 क्या बोलता है? बोलता है सर, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। नाम भी कितना आसान है, पूरा नाम कोट करके आएंगे तो सर आपका स्वैग जो है अलग ही लेवल पे दिखेगा एग्जाम में। सो प्लीज डोंट मिस इट। क्या करने का है? कम्युनिकेट करने का है। फोन को डाल दूं भाई साइलेंट पे। हाँ, क्या करने का है? कम्युनिकेट करने का है। क्या कम्युनिकेट करने का है? कैम। किस में कम्युनिकेट करना है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। लेट मी रिपीट वंस अगेन सर, क्या करना है? कम्युनिकेट। किस में क्या करना है? कम्युनिकेट। क्या कम्युनिकेट करना है? कैम। किस में करना है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। एक बार फिर से बोलेंगे, क्या कम्युनिकेट करना है? कैम। किस में करना है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो सर सिंपल सी बात, अगर आप ये कैम और IAR याद रख लें तो काम हो सकता है। क्या कम्युनिकेट करना है? कैम। किस में कम्युनिकेट करना है? IAR। एक बार गेट बंद कर देता हूँ, पड़ोसियों को कभी भी चैन नहीं मिलता। लीजिए सर, तो SA 701 सर आपके सामने फिर से एक बार बोल देता हूँ, क्या कम्युनिकेट करना है? कैम। किस में कम्युनिकेट करना है? IAR, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। 2 मिनट 16 सेकंड में सर मैंने आपको कोशिश करी याद दिलाने की कि भाई कैम का नाम क्या है, इस एसए का नाम क्या है। अब सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर इस वीडियो का। आप सर मेरे साथ बस एक बात चिल्ला लीजिए, आएगा 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 आएगा। इसके एग्जाम में दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि भाई कैम का पर्पस क्या है, वाई की ऑडिट मैटर्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको कराना चाहूँगा कि भाई कैम होते क्या हैं। ओके, प्रायर नॉलेज सर आपको होनी चाहिए एसए 260 की थोड़ी बहुत, तो सर आपको कैम समझने में बहुत आसानी रहेगी। एसए 260 क्या होता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपना प्यार देना मत भूलिएगा लाइक्स के फॉर्म में। आज शुरू में बोलना भूल गया तो अभी बोल रहा हूँ, इसलिए जल्दी सर बहुत सारे लाइक्स दे दो, और 2 बार मत प्रेस करना नहीं तो सर वो लाइक हट जाता है, ठीक है? ओके, सो व्हाट आर की ऑडिट मैटर्स? लीजिए सर, दोज मैटर्स इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस, यानी ऐसे मुद्दे
जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंस के थे. प्रोफेशनल जजमेंट मोस्ट सिग्निफिकेंस, मेरे साथ बोलने हैं सर वर्ड्स, प्रोफेशनल जजमेंट मोस्ट सिग्निफिकेंस फिर सेंटेंस में. और ये डेफिनेशन भाई साहब डीएनए में चलनी चाहिए. कल आपका सर डीएनए चेक हो जाए तो उसमें से भाई साहब कैम की डेफिनेशन निकलनी चाहिए एज पर एसए 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. की ऑडिट मैटर मींस दोज मैटर दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस. ऐसे मुद्दे जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंस रखते थे इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड. प्रोफेशनल जजमेंट मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड. ये डेफिनेशन अगर आप लिख के आएंगे और एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज में अगर आप लिख के आ पाए तो बहुत अच्छी बात है, नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा. तो एक बार फिर से बोलेंगे, दोज मैटर्स विच आर इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड. ठीक है सर, मुझे ये कीवर्ड्स आपके आंसर में जरूर दिखने चाहिए गाइस. प्रोफेशनल जजमेंट मोस्ट सिग्निफिकेंस ओके इन द ऑडिट ऑफ द करंट पीरियड. ठीक है, इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड. ये लाइन तो बहुत आसान है, ठीक है ना. सो ऐसे मुद्दे जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंस रखते थे इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड. मैं मानूंगा नहीं जब तक भाई ये याद नहीं हो जाएगा, क्योंकि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है. समझना अपनी जगह, रटना अपनी जगह, फुनसुक वांगड़ू अपनी जगह, और सर हमारे चतुर भैया अपनी जगह. ठीक है ना, तो जरा ध्यान से फिर से, दोज मैटर्स, हाँ जी मेरे साथ साथ बोलो, दोज मैटर्स दैट वर ऑफ सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड. ठीक है जी, दोज मैटर्स जो सर क्या थे जल्दी बताइए, प्रोफेशनल जजमेंट में क्या रखते थे, मोस्ट सिग्निफिकेंस रखते थे. अच्छा जी आइए, की ऑडिट मैटर्स, अब देखिए अगली लाइन, की ऑडिट मैटर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस. एच से 260 ही तो हमको सिखाता था कि वॉट हैज टू बी कम्युनिकेटेड. ये लो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो ऐसे 260 क्या बोलता है, कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस. कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ऐसे 260 की भी कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप लोग जाके देख सकते हैं. ठीक है, सो ऐसे 260 ही तो बताता क्या क्या मैटर है जो हमने कम्युनिकेट करने हैं, किससे, TCWG से. अब जरा ध्यान से सुनिएगा, की ऑडिट मैटर्स भी हमें उन्हीं में से सिलेक्ट करने हैं. यानी कि पहले हमने इंपॉर्टेंट मुद्दे चूज करे जो हमने TCWG को बताने थे, फिर उन मुद्दों में से भी कुछ ऐसे मुद्दे जो हमारी प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंस रखते हैं इन रिलेशन टू द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड. उन मुद्दों में से जो मुद्दे हम लोग कम्युनिकेट कर चुके हैं किसको, TCWG को अंडर SA 260, उन मुद्दे में से ऐसे मुद्दे जो हमारी प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंस रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड, ऐसे मुद्दे सर होते हैं की ऑडिट मैटर्स. आई होप आपको की ऑडिट मैटर्स जो है इसका मीनिंग समझ आ गया है सर. तो भाई इस वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा, कहाँ गया, ये लो, इस वाले पार्ट में सर हमने ये चीज़ें देखी. नंबर वन, की ऑडिट मैटर क्या है. नंबर टू, एसए का नाम क्या है, एसए का नंबर क्या है. लगभग सर 6-6.5 मिनट हुए हैं मुझे वीडियो में. मैंने आपको एसए 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की ऑडिट मैटर्स, दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड एंड की ऑडिट मैटर्स हैव टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स विच आर कम्युनिकेटेड टू TCWG, ये सिखाया है. ठीक है जी, अब एक जनरल डिस्कशन, नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्यों अजी क्यों आए की ऑडिट मैटर्स. अरे बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है. ऐसा है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और उस रिपोर्टिंग के ऊपर होने वाले ऑडिट में हर कोई चाहता है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, कॉरपोरेट फ्रॉड्स कम हो, एंड स्पेसिफिकली जिन कंपनीज में पब्लिक का पैसा लगा है उन कंपनीज में ज़्यादा इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है. आप लोगों ने अगर पुराने कोर्स में एथिक्स पढ़ा था तो वहाँ कॉरपोरेट गवर्नेंस थी. आप CA फाइनल में है तो सर आप तो कॉरपोरेट गवर्नेंस पढ़ते ही पढ़ते हैं. कॉरपोरेट गवर्नेंस कहाँ से आई है, उसका लॉ क्या है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन से आर्टिकल से, कौन से सेक्शन से, कौन से क्लॉज से, कौन सी चीज़ के, कौन से क्लॉज से कॉरपोरेट गवर्नेंस का जन्म हुआ. तो ये सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए सर इनको लगा कि भाई ऐसा है कि जो मुद्दे TCWG को हम लोग बताते हैं 260 में, क्यों ना वो मुद्दे हम यूज़र ऑफ़ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी बताए, ताकि यूज़र जो है ऑडिट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले पाए.
इस लाइन को पकड़ लीजिए, जो मुद्दे ऑडिटर को लगता है कि TCWG को बताने जरूरी हैं, हो सकता है वो मुद्दे सर यूजर को भी हेल्प करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से समझने में, ऑडिट को अच्छे से समझने में, राइट, ओवरऑल मैनेजमेंट को अच्छे से समझने में। तो इसलिए 701 लिया है कि सर जी सुनो, जो मुद्दे आप TCWG को बताते हैं उनमें से वो मुद्दे जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंस रखते हैं इन रिलेशन टू द ऑडिट ऑफ द करंट पीरियड, जरा वो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी लिखें। और ऑडिट रिपोर्ट हमने कल पढ़ी थी सर, वहां पे एक अलग से सेक्शन ऐड हो गया है कि ऑडिट मैटर्स का, और उसके अंदर सर ये मैटर्स जो हैं आएंगे। आई होप आपको लॉजिक भी समझ आया। सब हम लोग कहां से लेके आते हैं, अरे हिंदुस्तानी हो गर्व करो, हिंदुस्तानी हो गर्व करो, एक बार एक चीज कहीं किसी को करते हुए देख लो, उसके बाद सर हमारी से अच्छी तरह वो कोई कर नहीं पाता। और सर जैसे ही हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में लगाते हैं ये कोई चीज, हम लोग कॉपी करके ले आते हैं यहां पे, राइट। और अब तो सर 2010 के बाद से, आई थिंक 2009-10 के बाद से हमने सारी चीज़ें जो हैं अपनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के ही लाइन पे चलाने की कोशिश करी है। जो लोकल डिफरेंसेस हैं वो तो है, अदरवाइज सर हमने सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से चलाने की कोशिश करी है। 2013-14, 2014-15, 15-16 इसकी अगर आप घटनाएं देखें इंटरनेशनल ऑडिटिंग वर्ल्ड में, तो सर वहाँ पे एक ही ऑडिट मैटर्स जो हैं पहले से आ चुके थे। आप चाहें तो सर मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बता सकता हूँ, आप सिंपली सर्च करिए की ऑडिट मैटर्स AAIASB, आपको सर अच्छे खासे लिंक मिल जाएंगे। आप इस पर कुछ मैटर्स ढूंढना चाहते हैं, अगर आप लोग रिसर्च मोड में हैं भाई, तो आप सर्च कीजिए की ऑडिट मैटर्स इलस्ट्रेशंस, तो आपको इलस्ट्रेशंस मिल जाएंगी। मैं आपको शायद अब इलस्ट्रेशंस ना दिखा पाऊँ इंडियन रिस्पेक्ट में, क्यों? क्योंकि सर ये ऐसे जो है ये एप्लीकेबल हुआ 1/4/2018 से, 18-19 में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे उसका ऑडिट होगा सर 19 में, तो 2019 में जो रिपोर्ट्स निकलेंगे सर उसमें आपको की ऑडिट मैटर्स पक्का दिखेंगे। अभी सर हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, ICA ने भी कोई ऐसा एग्जांपल नहीं दिया है, लेकिन सर आप इंटरनेशनल बॉडीज पे जाके, इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे जाके इन इस तरह के एग्जांपल्स जो निकाल सकते हैं। मैं अभी एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा भी दूंगा, राइट। लीजिए सर, तो जनरल डिस्कशन जो मैंने आपको बताया क्यों आया था, हमने किसको फॉलो किया, एटसेट्रा एटसेट्रा, नॉट फॉर एग्जाम, बट हाँ इससे आपकी जो ज्ञान है वो बढ़ सकता है। एनीवेज, अच्छा जी, तो ये बात भी हमारी डिस्कस हो गई सर। दिस एसे इज इफेक्टिव फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड बिगनिंग ऑन और आफ्टर April 1, 2018। ओके, लीजिए की ऑडिट मैटर्स क्या होते हैं हमने देख लिया, और इसी के साथ साथ एक एप्लीकेबिलिटी में दो तीन चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं सर जी, तो मिस मत करिएगा इसको, चिल्ला लीजिए आएगा आएगा आएगा। एक पर्पस वाला भी करना, पहले इसको देख लेते हैं। दिस एसे अप्लाई टू ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी। मैंने बोला था कि भाई ऑडिट रिपोर्ट ज्यादा ट्रांसपेरेंट बने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़े, और इन सब की सबसे ज्यादा जरूरत कहां पे, उन एंटिटीज में जिन एंटिटीज में पैसा लगा है किसका, पब्लिक का। तो सबसे पहले लिस्टेड एंटिटी को बोला गया भाई सुनो, दिस एसे इज एप्लीकेबल फॉर द ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। अच्छा, एंड circumstances when the auditor otherwise decides to communicate key audit matter in the auditor's report, और उन circumstances में जहाँ पे auditor decide कर ले भैया key audit matters जो मैंने बताने ही बताने हैं अपनी report में। अब देखो, मैं मेरे कुछ और विचार भी हैं, as a member of Institute of Chartered Accountants of India मैं सबसे request करूँगा कि सारे auditor से कि भाई please अपनी report में आप voluntarily 701 लगाएं और key audit matters डालें। लेकिन दिक्कत है बस एक बात की, भावुक हो रहा हूँ थोड़ा सा, सुन लेना कि इंडिया में रिपोर्ट कैसे बनती है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल एफ, यानी पहले कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, उसके बाद कंट्रोल एफ फाइंड करके हम लोग ईयर और कंपनी के नाम रिप्लेस कर रहे होते हैं यार। की ऑडिट मैटर्स आप डालें तो मैं मानूँ सर आप वाकई में बड़ी ऑडिटर थे। आप देखिएगा अपनी फर्म्स में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपके CA साहब आपको तो बहुत डांटते हैं, काम गलत कर दिया, वो काम गलत कर दिया, लेकिन आपको पता है, मुझे पता है सर रिपोर्ट कैसे बनती है, नॉट एवरीवन बट यस सम ऑफ देम, एक ऐसे का नंबर उन्हें कुछ आइडिया नहीं है ऐसे में लिखा गया है। चलिए एनीवेज, भावुक होने की जरूरत नहीं है। तो भाई सबसे पहले लिस्टेड एंटिटीज पे एप्लीकेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस व्हेन द ऑडिटर अदरवाइज डिसाइड टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर, तो जहां ये तो एक तो लिस्टेड एंटिटी में तो ऑप्शन नहीं है ऑडिटर के पास, करना ही करना है। अदर केसेस में वेयर ऑडिटर डिटरमाइंस, वेयर ऑडिटर डिसाइड्स टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर वहां पे, और तीसरा ऑल्सो अप्लाई व्हेन द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो अगर कोई लॉ ऐसा आ जाए कि सर जो बोले कि ऑडिट मैटर रिपोर्ट करो, तो सर करने पड़ेंगे, जैसे कि कंपनी लॉ में अगर लिख देंगे कि ऑडिट मैटर रिपोर्ट करने हैं तो भाई करने पड़ेंगे। लीजिए सर, तो एप्लीकेबिलिटी के तीन पॉइंट याद रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसकी इफेक्टिव डेट भी बता दी मैंने, अब जरा देखिएगा। हाउएवर SA 705, ओहो मॉडिफिकेशन,
कौन कौन सा हो सकता है, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर. तो क्या कहते हैं, हाउएवर एज पर 705 रिवाइज प्रोहिबिट्स द ऑडिटर फ्रॉम कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम्स एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस सच रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन. तो अगर ऐसे 705 में पकड़ लो ट्रू फॉल्स आएगा बहुत जबरदस्त, यू आर द ऑडिटर ऑफ एन एंटिटी एंड यू आर गोइंग टू इशू द डिस्क्लेमर एज पर ऐसे 705 कैन यू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स? नो, you're not required to communicate key audit matters since you are giving disclaimer opinion. Aaiye zara padhte hain. So however as per SS 705 prohibits the auditor from communicating CAM when the auditor disclaims an opinion on the financial statement. So when the auditor disclaims the opinion, SS 705 prohibits the auditor to communicate CAM. याद रखिएगा सर, ट्रू फॉल्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत. ये एप्लीकेबिलिटी सर आपसे पूछी जा सकती है इन जनरल 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक के क्वेश्चन में अगर आए तो. ये तो सर आपसे ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, मैं लिख भी देता हूँ ट्रू फॉल्स और कंप्लीट क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकता है. इवन आप एप्लीकेबिलिटी में भी ये पूरा ही लिख के आएंगे अगर 4-5 नंबर का आ जाता है तो. ये 3 पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट और साथ साथ इसके इफेक्टिव डेट भी आप लिख के आएंगे. राइट, ग्रेट. लीजिए सर, इस पार्ट में हमने सर एसए का नंबर, एसए का नाम और की ऑडिट मैटर्स की डेफिनेशन, की ऑडिट मैटर के इस एसए की एप्लीकेबिलिटी और एक जनरल डिस्कशन देख लिया. अगले पार्ट हम जो देखेंगे वीडियो का, उसके अंदर गाइस हम लोग फिर से अपना कंसंट्रेशन लाएंगे पर्पस के ऊपर. ऑल्दो मैं इस पार्ट में पर्पस पढ़ाना चाहता था बट फ्लो में आके मैंने आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो बता दी और वो वैसे ही पढ़ानी थी और बड़ी इंपॉर्टेंट थी. तो अब हम पढ़ेंगे सर नेक्स्ट पार्ट में पर्पस. राइट, लीजिए वीडियो के इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे सर पर्पस के बारे में. ओके, मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया पर्पस का, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ड्रॉ कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये शायद मैं आपको प्रोवाइड ना कर पाऊँ क्योंकि बहुत बड़े चार्ट का एक छोटा सा हिस्सा है और वो अभी कंप्लीट नहीं, उसमें बहुत टाइम लगेगा. सो पर्पस क्या है, देखिए किसी भी चीज़ को आसान बनाना हो ना तोड़ दो. बस अंग्रेजों ने क्या सिखाया, डिवाइड एंड रूल. हम भी क्या करने वाले, डिवाइड एंड रूल. कम ऑन एवरीवन, तो सिर्फ दो ही पर्पस याद रखो, एनहेंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू एंड इंटेंडेड यूजर्स. बस एनहेंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू एंड एनहेंस द एंड इंटेंडेड यूजर. लीजिए एक बार आपके साथ और बोलता हूँ, ECV एनहेंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू एंड इंटेंडेड यूजर्स. ये दो बातें आप याद रखिए एंड लेट मी टेल यू सर, इन दोनों बातों से आपका काम पूरा हो जाएगा. आइए पहले मैं आपको पहला पॉइंट पढ़ाता हूँ, एनहेंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू. ये देखिए, सो एनहेंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू क्या बढ़ाना है, कम्युनिकेटिव वैल्यू किसकी, ऑडिटर्स रिपोर्ट की, बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अबाउट द ऑडिट दैट वॉज परफॉर्म्ड. बहुत बढ़िया जी. तो बेसिकली सर ऑडिटर रिपोर्ट की जो कम्युनिकेटिव वैल्यू है, यानी कि ऑडिटर रिपोर्ट जो कम्युनिकेट करती है इंटेंडेड यूजर को, लोगों को, उसकी सर वैल्यू, कम्युनिकेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि अब वो ज्यादा चीजें कम्युनिकेट करेगी. राइट, सो एनहेंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अबाउट द ऑडिट दैट वाज परफॉर्म्ड. तो हमने क्या बढ़ानी है, कम्युनिकेटिव वैल्यू. कम्युनिकेटिव वैल्यू सर हम लोगों ने बढ़ानी है बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अबाउट द ऑडिट दैट वाज परफॉर्म्ड. ओके, पहला हो गया जी. दूसरे पॉइंट पे आते हैं और देखिए ऐसे चलेंगे. पहला पॉइंट, enhance the communicative value by providing greater transparency in relation to किसकी communicative value बढ़ा रहे हैं, ऑडिटर रिपोर्ट की. enhance the communicative value of the auditor's report by providing greater transparency in respect of the audit that was performed. अच्छा जी लीजिए, फिर जरा देखिए intended user. अब intended user के पास दो पॉइंट है, assistance in understanding and engage. So this particular essay will help the intended user in two points. Number one, it will give assistance to the intended user in understanding 1, 2, 3, देखेंगे, and it will help the intended user to engage. आइए बात करते हैं, assistance in understanding what? The matters of most significance in auditor's judgment in audit of financial statement. Audit of financial statement. So, जो intended user है, उसको assistance मिलेगी in understanding those matters जो कि most significance वाले थे in the judgment of the auditor. Of the financial statement. मतलब के it will help the intended user to understand the KAM, key audit matters. Right. दूसरा, it will help the, it will give assistance to the intended user to understand the areas of significant management judgment in audit of financial statement. मैनेजमेंट जहां पे काफी कुछ चीजें सिर्फ जजमेंट से करती है, चाहे वो कोई प्रोविजन बनाना हो, वैल्युएशन हो,
गुडविल की वैल्यूएशन हो, कोई भी काम हो रहा हो, वहाँ पे भी सर ये असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा टू द इंटेंडेड यूज़र. कहाँ पे? एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट. तो मैटर्स में, एरियाज में, एंड अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एज अ होल में. ओके, देखिए सर. सो क्या करने वाला है सर? हमने यहाँ पे देखा था इंटेंडेड यूज़र को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे. इंटेंडेड यूज़र को मिलेगी असिस्टेंस तीन तीन चीज़ों पे, मैटर्स पे, एरियाज पे, और मैंने थर्ड पॉइंट क्या बोला था, एंटिटी पे. राइट, मैटर्स कौन से मैटर्स? मोस्ट सिग्निफिकेंस एज पर द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर. एरियाज कौन से एरियाज जहाँ पे मैनेजमेंट यूज़ कर रही है सिग्निफिकेंट जजमेंट, और एंटिटी एज अ होल को. एंड फाइनली इंटेंडेड यूजर को एक और बेनिफिट मिल रहा है, और वो क्या है? बेसिस टू एंगेज. बोलिए क्या बेनिफिट मिल रहा है? बेसिस टू एंगेज विद मैनेजमेंट एंड DCWG. इन शॉर्ट, ज़्यादा कम्युनिकेट करने का मिल रहा है, या फिर आप समझ लीजिए कि एक यूज़र को ज़्यादा मुद्दे मिल रहे हैं कि जिन मुद्दों पे वो मैनेजमेंट और DCWG से बात कर सकता है. बेसिस टू एंगेज विद मैनेजमेंट एंड DCWG अबाउट सर्टन मैटर्स रिलेटिंग टू द एंटिटी द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द ऑडिट वॉज परफॉर्म. लीजिए सर, तो मैनेजमेंट को, यूज़र को बेसिस मिल रहा है टू एंगेज विद मैनेजमेंट एंड DCWG अबाउट सर्टन मैटर्स रिलेटिंग टू एंटिटी दैट ऑडिटेड द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द ऑडिट वॉज परफॉर्म. राइट, सो ऐसे मैटर्स पे सर जो एंटिटी से रिलेटेड हैं, और वो मैटर हो सकते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो भी ऑडिट में चीज़ें हुई उनको लेके. आइए इसको एक बार यहाँ से पढ़ लेते जल्दी से. The communication of key matters in the auditor's report may also provide intended user a basis to further engage with the management DCWG about certain matters relating to the entity or the audited financial statement or the audit that was performed. तो कुछ मुद्दों पे ज़्यादा engagement हम कर सकते हैं, या फिर audited financial statement पे हम ज़्यादा engagement कर सकते हैं, या फिर सर audit that was performed. ली सर, ये हो गया purpose. Important question सर, exam में आपको दिखाई दे सकता है. Video के second part में हमने देखा कि भाई SA-701 लाने का purpose क्या है. मुद्दे की बात तो ये थी transparency आ जाए. लिखने पे जब आएंगे तो सर हम इस तरीके से जो है इसका आंसर लिखेंगे. वी आर डन विद द पर्पस थिंग, एप्लीकेबिलिटी थिंग. अब सर हमने की ऑडिट मैटर्स की डेफिनेशन भी पढ़ ली है, और अब हम पढ़ेंगे सर इसके ऑब्जेक्टिव्स और डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स. एक बार सुन लीजिए आगे की बातें. डिटरमाइन कर लिया, उसके बाद कम्युनिकेटिंग ही सबसे बड़ा पार्ट है, और कम्युनिकेटिंग में सर हमारा जो ऐसे ये है हम फिनिश कर देंगे. और कम्युनिकेटिंग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, कम्युनिकेट कैसे करना है, क्या कम्युनिकेट करना है, किससे कम्युनिकेट करना है, ये सारी बातें. राइट, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग दी की ऑडिट मैटर्स. राइट, आइए अब बात करते हैं सर ऑब्जेक्टिव के बारे में. तो दो प्यारे प्यारे से ऑब्जेक्टिव हैं, और मैंने बोला सर यही इस ऐसे की थीम भी है, डिटरमाइन करना कैम को, कम्युनिकेट करना कैम को. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर आर टू, नंबर वन, डिटरमाइन कैम हैविंग फॉर्म्ड एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट दोज मैटर्स बाय डिस्क्राइबिंग देम इन ऑडिटर्स रिपोर्ट. सो डिटरमाइन कैम, कम्युनिकेटिंग कैम, दो ऑब्जेक्टिव हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. अब आइए सर इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, और वो है कि भाई कैम को डिटरमाइन कैसे करना है. हाउ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट दैट दिस पर्टिकुलर मैटर इज अ कैम की ऑडिट मैटर. ओके, अच्छा, तो जैसा कि मैं बोला था सर, कुछ इंटरनेशनल पेपर्स में आपको दिखाऊँ, कुछ आर्टिकल्स में आपको दिखाऊंगा. तो ये लीजिए सर, IAASB की वेबसाइट से सर मैंने डाउनलोड किया है ऑडिट रिपोर्टिंग इलस्ट्रेटिव की ऑडिट मैटर्स. आप लोग सिंपली ये लिख के एक बार सर्च करें गूगल पे, आपको ये फाइल जो है मिल जाएगी. ठीक है, आई होप IASB एट्सेट्रा आपको पता है, ASB आपको पता है, ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए. तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि सर एग्जैक्टली आप मेरे साथ साथ पढ़िएगा कि कैसे हमने कैम जो है डिटरमाइन करना है, क्या चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए कैम डिटरमाइन करते समय. ठीक है, और फिर उन्होंने बताया कि उसकी सर इन्होंने रिपोर्टिंग कैसे करनी है. ओके, जरा देखिए, फॉलोइंग आर द इंटेंडेड टू इलस्ट्रेट हाउ एन ऑडिटर में डिस्क्राइब हाउ अ कैम वॉज एड्रेस्ड. तो हमें ये रिपोर्टिंग में बताना होता है कि कैम हमने किस बेसिस पे सेलेक्ट किया था और हमने कैम को एड्रेस कैसे किया. तो वो दोनों चीज़ें आपको एग्जांपल यहाँ पे मिलेंगी. देखिए, फॉलोइंग आर द इंटेंडेड टू इलस्ट्रेटिव हाउ एन ऑडिटर में डिस्क्राइब व्हाई अ मैटर वाज डिटरमाइंड टू बी व्हाट कैम. हमारा क्वेश्चन भी क्या है, पहले तो डिटरमाइन करें सर कैम कैसे डिटरमाइन करना, पहले तो ये बताएं. और मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि सर IAASB ने क्या इलस्ट्रेशन देके बताया है. अभी पढ़ेंगे, पहले अपनी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर आके सर इसको भी देखेंगे. मैं आपको क्राइटेरिया सीधा बता दूंगा, IPC लेवल पे इतनी ज़्यादा दिक्कतें हम लोग पैदा नहीं करेंगे. लीजिए, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस. एक बात तो पक्की हो गई भैया, कैम उन्हीं मुद्दों में से निकलेगा जो हमने TCWG को कम्युनिकेट किए हैं, रेफर SA-260. अच्छा जी, दोज मैटर दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन इन परफॉर्मिंग द ऑडिट.
सो ऑडिटर को उन मुद्दों में से जो मुद्दे TCWG को बता दिए हैं उनमें से देखना है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें चाहिए सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन, और इन अदर वर्ड्स जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंस रखते हैं। फिर वहीं लौट के आ गए हम लोग। अच्छा जी, अब गाइज यहां पर जरा देखिएगा, यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन कि भाई जो हमने TCWG को बता दी उन मुद्दों में से कौन से मुद्दे हैं जो मोस्ट सिग्निफिकेंस रखते हैं, द ऑडिटर शैल टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। नाउ दीज थ्री पॉइंट्स आर सुपर इंपॉर्टेंट, हाउ एज एन ऑडिटर और व्हाट पॉइंट्स एज एन ऑडिटर यू विल कीप इन माइंड व्हाइल डिसाइडिंग दैट अ पर्टिकुलर मैटर इज अ कैम और नॉट। तो यू विल से एज पर एस 701 का नाम डालने के बाद कि भाई कैम होते क्या है हम ये बताएंगे, और फिर हम बोलेंगे सर कैम हमें चूज करने हैं उन मुद्दों में से जो मुद्दे हमने TCWG को बता दिए और उनको चाहिए सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन, या फिर सर वो है मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। और ये डिसाइड करने के लिए कि सर सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन चाहिए या नहीं, वो ऑडिटर के मोस्ट सिग्निफिकेंस रखते हैं या नहीं, ये तीन गाइडलाइंस आपको हेल्प करने वाली है। नंबर वन, जहां पे असेस्ड रोमम हायर लेवल पे हो, हायर लेवल पे, या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क हो। सिग्निफिकेंट रिस्क SA 315 फ्रॉड का रिस्क, रिलेटेड पार्टी का रिस्क, आई होप कुछ कुछ बातें याद आ रही हैं, ठीक है जी। तो जहां पे असेस्ड रिस्क, असेस्ड रोमम रिस्क ऑफ मैनेजमेंट स्टेटमेंट ज्यादा हो और सिग्निफिकेंट रिस्क हो, ये दो बातें सर अगर आपको दिख रही हैं सर वो कैम बन सकता है। दूसरी बात सर, ऐसा एरिया इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एरियाज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो, मैनेजमेंट की जबरदस्त जजमेंट, यानी के सर्टिनिटी की कमी, यानी के सर्टिनिटी की कमी, कोई भी प्रोविजन, कोई भी कंटिंजेंसी जहां पे सिग्निफिकेंट क्या लग रही हो मैनेजमेंट की जजमेंट, इंक्लूडिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट 540 रेफर कर लो, दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज हैविंग अ एस्टिमेशन अनसर्टिनिटी। तो नंबर वन, जहां पे सर असेस्ड रोमम हायर हो, सिग्निफिकेंट रिस्क हो, ऐसे एरियाज जहां पे मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व हो, सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व हो, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जिनको हमने आइडेंटिफाई किया एज हैविंग हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाँ जी, एज हैविंग हाई डिग्री ऑफ व्हाट बोलिए, अनसर्टेनिटी, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, ओके। और तीसरा सर, द इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन दैट अकर ड्यूरिंग द पीरियड। तो वो सिग्निफिकेंट इवेंट्स, सब्सिक्वेंट इवेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन जिनका सर इफेक्ट आता हो ऑडिट पे, द इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन। सो इफेक्ट ऑफ द इवेंट्स और ट्रांजेक्शन, वो भी सर कैम हो सकता है जिनका, जो ऐसे इवेंट्स और ट्रांजेक्शन इनका जबरदस्त इफेक्ट आता है किस पे, ऑडिट पे, ओके ओके। लीजिए सर, ये सर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट होता है। इसमें हमने ऑब्जेक्टिव देखा और हमने एक पार्ट देखा डिटरमाइन कैसे करना है। बोलिए क्या कैसे करना है, डिटरमाइन कैसे करना है कि एक पर्टिकुलर आइटम जो है वो कैम होगा या नहीं होगा। तो पहले देखा जी दोस कम्युनिकेटिव TCWG एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू और मोस्ट सिग्निफिकेंस रखते हैं या फिर सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन मांग रहे हैं सर, वो होंगे कैम। और ये डिटरमाइन करने में कि उन्हें सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन चाहिए या नहीं, वो मोस्ट सिग्निफिकेंस वाले आइटम है या नहीं, इस मुद्दे पे आपको सर दी गई तीन गाइडलाइन। असेस रोमम ज्यादा है, हायर साइड पे है, सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है, ऐसे एरियाज जहां पे मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट सर, जहां पे जो अनसर्टेनिटी, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ में इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट ऑन ट्रांजेक्शन ऑन दी दैट इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और इवेंट्स ऑन द ऑडिट दैट अकर ड्यूरिंग द पीरियड। लीजिए सर, अब सर नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट काम, और वो है कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स। लीजिए सर, हमारा सर आधा आप मान के चलिए ऐसे कंप्लीट हो चुका है और आधा हम अब जल्दी से कर लेंगे कम्युनिकेशन में, राइट। चलिए अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो हमने डिटरमाइन कर लिए साहब कैम क्या थे, अब हमें बताना है उसे कम्युनिकेट कैसे करना है। तो देखिए पहले है क्या क्या, एक तो ब्रॉड हेडिंग होगी जी कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स, ठीक है जी। सॉरी, हम इसमें बताएंगे सर कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। कम्युनिकेशन के इस वाले पैराग्राफ के बाद हमें पढ़ना है डिस्क्रिप्शन। तो पहले हम ये पढ़ेंगे कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स, फिर उनका डिस्क्रिप्शन कैसे देना है ये पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हमें पढ़ना है कि सर कम्युनिकेशन ऑफ कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर 1 2 3 4, कम्युनिकेशन ऑफ कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर 1 2 3 4। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ऐसे सर्कमस्टांसेस जहां पे हमें सर कैम जो है वो कम्युनिकेट नहीं करने, सर्कमस्टांसेस इन विच मैटर डिटरमाइंड टू बी कैम इज नॉट कम्युनिकेटेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। एंड फाइनली आपके लिए दो टॉपिक में दूंगा, कम्युनिकेशन विद TCWG दो लाइन का नलायको और डॉक्यूमेंटेशन।
ये दोनों टॉपिक आपने निपटाने हैं और अब सर चार टॉपिक मैं आपके सामने निपटाने जा रहा हूँ। सबसे पहले कम्युनिकेशन, उनका डिस्क्रिप्शन, कम्युनिकेशन कब नहीं करना है और कम्युनिकेशन किसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए गाइज कि ये चीज़ें जो हैं अपने ध्यान रखनी है और बिल्कुल भी जो है वो मिस नहीं करनी है किसी भी हाल में, ठीक है ना। आइए मैं आपको दिखाता हूँ सर कि कम्युनिकेशन को अपने कितने पार्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जल्दी से मेरे साथ साथ देखिएगा। सबसे पहले कम्युनिकेशन में पहला पार्ट तो कम्युनिकेशन ही है, फिर डिस्क्रिप्शन है और फिर है नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ और लास्ट में आएगा नो कैम रिक्वायर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट सर ये चारों पार्ट आप एक बार बना लीजिए। हम सबसे पहले कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, फिर उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि सर नॉट अ सब्स्टिट्यूट और फिर पढ़ेंगे हम लोग सर कहाँ कहाँ पर जो है वो कैम रिक्वायर्ड नहीं होता है, राइट। आइए तो चलते हैं सबसे पहले देखने के लिए अपनी बुक्स में, जल्दी से कहाँ गए, ये लीजिए अपने नोट्स में आ गए मैं जल्दी से और अब देखना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले कम्युनिकेटिंग द कैम, द ऑर्डर शेल डिस्क्राइब ईच कैम यूजिंग एप्रोप्रिएट सब हेडिंग इन अ सेपरेट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट अंडर द हेडिंग की ऑडिट मैटर। ओके जरा यहाँ देखिए कैसे होगा सर ये मामला सेट आपका। हमारी सर मान लेते हैं ये है ऑडिट रिपोर्ट, इस ऑडिट रिपोर्ट में सर एक सेक्शन आएगा की ऑडिट मैटर और इस की ऑडिट मैटर के अंदर हर की ऑडिट मैटर जो है अलग अलग सब हेडिंग के थ्रू डिस्क्राइब पहले तो आएगा और फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज कैम वन, दिस इज कैम टू, दिस इज कैम थ्री, राइट। अब दोबारा पढ़ते हैं उस पॉइंट को। ऑडिटर क्या करेगा, हर कैम को डिस्क्राइब करेगा यूजिंग अप्रोप्रिएट सब हेडिंग इन अ सेपरेट सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट अंडर द हेडिंग कैम। सो एक सेक्शन होगा कैम का, उसके अंदर सब हेडिंग बनेगी हर कैम की, एक से ज्यादा की ऑडिट मैटर हो सकते हैं तो हर कैम की एक सब हेडिंग बनेगी, ठीक है। नाउ इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या होगी सर कैम वाले सेक्शन की, ये मैं बात कर रहा हूं कैम वाले सेक्शन की, ये देखिए जरा दोबारा से। तो मैंने सर जो अपना कैम का सेक्शन बनाया ऑडिट रिपोर्ट में उसमें पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और सच बताऊं तो मैं उसमें बताऊंगा कि कैम क्या है। आइए इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज, की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दीज मैटर्स आर एड्रेस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड इन फॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन देयर ऑन एंड द ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर। इसका मतलब पहले तो आपको याद ही है कैम वो मैटर्स हैं जिनकी मोस्ट सिग्निफिकेंस थी, हाँ जी कैम वो मैटर्स हैं जिनकी क्या थी का मॉडल में मोस्ट सिग्निफिकेंस थी इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर दी ऑडिटर्स जजमेंट, हाँ जी एज पर दी ऑडिटर्स जजमेंट, राइट। और साथ ही साथ में सर ये मैटर जो है हमने एड्रेस किए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब हमने इन मैटर्स का ऑडिट नहीं किया, ऑडिट तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही किया है लेकिन सर इन मैटर्स को फिर भी जो है हमने एड्रेस किया था एज फार एज अवर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंसर्न, राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय कैम एंड हाउ वी हैव एड्रेस्ड द कैम, वी हैव एड्रेस्ड द कैम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ दीज पर्टिकुलर मैटर्स, राइट सर। तो देखिए कम्युनिकेट कैसे करना है, हमने हर कैम को एक सब हेडिंग देनी है और एक ब्रॉड हमारा सेक्शन होगा कैम के नाम से, जो कल हमने ऐसे 700 पढ़ा था, नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है कैम और उस सेक्शन के पहले हम इंट्रोडक्टरी लाइन लिखेंगे कि कैम क्या है, जो प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर में मोस्ट सिग्निफिकेंस वाले मैटर्स थे वो कैम है और साथ ही साथ हम लिखेंगे सर इनका जो इनको जो हमने एड्रेस किया है यानी इनसे जो हमने डीलिंग करी है, इनको जो हमने ट्रीट किया है वो हमने किया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनका इंडिविजुअल मैटर्स का ऑडिट नहीं हुआ है। लीजिए स्टार्टिंग हो गई, कहाँ लिखना है कैम सेक्शन में, कैसे लिखना है सब हेडिंग्स डाल के, इंट्रोडक्टरी पैरा ये रहा। अब हमने बोला था सर हमने हर कैम को डिस्क्राइब करना है, अब आते हैं सर मुद्दे की बात पे और आपको IASB वाला पेपर भी दिखा दूंगा, अब आते हैं मुद्दे की बात पे, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल कैम। अब हर कैम का तो पहले हमने क्या बनाया, ये देखिए जल्दी से, ये हमारी ऑडिट रिपोर्ट चल रही है, ऑडिट रिपोर्ट में सर हमारे एक सेक्शन आ गया कैम, उसके अंदर आया कैम वन, अब इस कैम वन का सर हमें क्या लिखना है डिस्क्रिप्शन, राइट। आइए इस कैम वन का डिस्क्रिप्शन देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच कैम इन द कैम सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ रेफरेंस टू रिलेटेड डिस्क्लोजर। सबसे पहले अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस कैम से रिलेटेड कोई भी डिस्क्लोजर है तो हम रेफर करेंगे कि इस कैम को अच्छी तरह समझने के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उस पॉइंट पर जाके जो है बातचीत कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो अ क्लियर कट रेफरेंस टू द डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी, ओके। सो द फर्स्ट पॉइंट शैल बी दैट वी शुड गिव रेफरेंस टू द डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू कैम इफ एनी, ओके। शॉर्ट में याद करना है रेफरेंस टू डिस्क्लोजर, बस रेफरेंस टू डिस्क्लोजर। दूसरी बात,
अब आइए सर काम की बात. वाई मैटर वॉज कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट एंड देयर फॉर डिटरमाइंड टू बी अ कैम. ये मुद्दा कैम क्यों था हम ये डिस्क्राइब करेंगे. एवरीवन, ये मुद्दा कैम क्यों था हम ये डिस्क्राइब करेंगे. और दूसरी बात, हमने इसको एड्रेस कैसे किया हम ये डिस्क्राइब करेंगे. वो जो इंटरनेशनल पेपर मैं आपको दिखा रहा था, ये देखिए एक एग्जाम्पल है ये गुडविल का. तो मैं आपको पूरा नहीं पढ़ा रहा, आईपीसी लेवल पे छोटी सी बात करेंगे, फाइन वाले बच्चे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. ये मुद्दा कैम इसलिए था क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स था, इसके अंदर हाई जजमेंट इन्वॉल्व थी और सर बहुत सारी अजम्पशंस पे था सर, जिसका सर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखिए क्या था, विच आर अफेक्टेड बाय एक्सपेक्टेड फ्यूचर मार्केट और इकोनॉमिक कंडीशन पर्टिकुलरली दोज जो भी आपका एरिया एटसेट्रा एटसेट्रा. तो गुडविल की कैलकुलेशन, गुडविल की वैल्यूएशन एक की ऑडिट मैटर हो सकता है क्योंकि सर उसकी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, हाई जजमेंट इन्वॉल्व है, बहुत सारी अजम्पशंस पे बेस्ड है जो सर हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर मार्केट, इकोनॉमिक कंडीशन, राइट. सो हमने डिस्क्रिप्शन देते समय सबसे पहले तो एक काम करना है, यह देखना है कि इस स्कैम का कोई भी रिलेटेड अगर डिस्क्लोजर है तो उसको रेफरेंस देंगे. फिर हम ये बताएंगे कि हमने इस मुद्दे को भाई कैम जो है वो अज्यूम क्यों किया था और फिर हम ये बताएंगे कि हमने इसको एड्रेस कैसे किया. ये देखिए, आइए जरा मेरे साथ. तो हाउ द मैटर वॉज एड्रेस, अब इसी में एक देखते हैं कि सर ये मैटर हमने एड्रेस कैसे किया. ये देखिए यहाँ पे सर ऑडिटर भाई सर ने बता रखा है कि हमने एड्रेस कैसे किया. देखिए, अवर ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूडेड अमंग अदर्स यूजिंग अ वैल्यूएशन एक्सपर्ट. हमने वैल्यूएशन एक्सपर्ट का यूज किया, हमने उसकी सहायता ली टू असिस्ट अस इन इवैल्यूएटिंग द अजम्पशन मेथोडोलॉजी यूज्ड बाय द ग्रुप, इन पर्टिकुलर दोज रिलेटिंग टू द फोरकास्टेड रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन. वी ऑल्सो फोकस्ड ऑन द एडिक्वेसी ऑफ द ग्रुप डिस्क्लोजर. तो हमने एक तो वैल्यूएशन एक्सपर्ट का यूज़ किया और हमने एडिक्वेसी ली किसकी, ग्रुप डिस्क्लोजर की. हमने फोकस किया एडिक्वेसी ऑफ ग्रुप डिस्क्लोजर अबाउट दोज अजम्पशन टू विच द आउटकम ऑफ द इंपेयरमेंट टेस्ट इज मोस्ट सेंसिटिव, दैट इज बेसिकली हमने दो काम करके इसको एड्रेस किया, वैल्यूएशन एक्सपर्ट की मदद ली और हमने ग्रुप के ओवरऑल डिस्क्लोजर्स को चेक किया, उसकी एडिक्वेसी को चेक किया इन रिलेशन टू दिस पर्टिकुलर मैटर. सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैम है. क्यों कैम है सर, कॉम्प्लेक्स है, जजमेंट इन्वॉल्व है और सर कॉम्प्लेक्स था, जजमेंट इन्वॉल्व था और एक वर्ड और अजम्पशंस बना था. हमने उसको एड्रेस कैसे किया, हमने सर वैल्यूएशन एक्सपर्ट की मदद ली, साथ साथ हमने सर ग्रुप का जो डिस्क्लोजर है उसकी एडिक्वेसी ओवरऑल हमने चेक करी. लीजिए सर, तो डिस्क्रिप्शन में भाइयों आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया कि डिस्क्रिप्शन में दो ही इंपॉर्टेंट बातें हैं और वो ये है कि सर ये हमने कैम, पहले तीन इंपॉर्टेंट बातें, ए याद करो, जल्दी से याद करो, रेफरेंस टू द डिस्क्लोजर, बी वाई कैम, सी हाउ एड्रेस्ड. Why cam, how address and reference to the disclosure. लीजिए सर, अब आते हैं सर इस मुद्दे पे. ये सबसे आसान, cam is not a substitute for, direct question बन सकता है सर आपके एग्जाम में, cam is not a substitute for, key audit matter is not a substitute for, क्या क्या. सबसे पहले डिस्क्लोजर, 706 पढ़ा होगा आपने पुराने वाला, 706 मैंने क्या बताया था, UM, OMB सर डिस्क्लोजर का सब्सिट्यूट नहीं हो सकता है. ऐसा ना कहिएगा कि भैया अरे मैनेजमेंट इधर आओ, मैनेजमेंट करिए, ऑडिटर इधर आओ, यार हम कुछ डिस्क्लोज करना भूल गए एज पर AFRF, एक काम करो कैम लिख दो और कैम से मान लेंगे कि डिस्क्लोज हो गया. नहीं भाई नहीं, कैम इज नॉट अ सब्सिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर, कैम इज नॉट अ सब्सिट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन. मैनेजमेंट करिए ऑडिटर इधर आ, मॉडिफिकेशन मत कर, कैम लिख दे कैम, उस पर भी तो लोगों की अटेंशन आती है. अजी छोड़ो, मॉडिफाइड ओपिनियन का भी ये सब्सिट्यूट नहीं है. 570 में जो रिपोर्टिंग करनी थी, व्हेन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रेटिंग टू इवेंट्स और कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड एंट्रीज एबिलिटी टू गोइंग कंसर्न. तो 570 के अंदर जो रिपोर्टिंग करनी है गोइंग कंसर्न वाला, इससे उसका सब्सिट्यूट नहीं है. एंड ये तो सर मैंने आपको बता ही दिया, इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर, वी हैव चेक दीज मैटर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट. लीजिए सर, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सर ये कि भाई कम्युनिकेट कैसे करना है. तो हमने सर ऑडिट में एक ऑडिट रिपोर्ट में एक सेक्शन बनाना है की ऑडिट मैटर का, उसके अंदर सर सब हेडिंग डालनी है की ऑडिट मैटर वन, फिर हर किसी का डिस्क्रिप्शन लिखना है कि ये कैम क्यों था, अगर हम रेफरेंस दे पाएं किसी डिस्क्लोजर को, और साथ ही साथ में हमने इसको एड्रेस कैसे किया, राइट. जो हमारा की ऑडिट मैटर का सेक्शन होगा उसमें सर हम इंट्रोडक्शन देंगे की ऑडिट मैटर होते क्या है और सर हमने इनको चेक किया है विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली, ये ओपिनियन नहीं है इंडिविजुअल चीज़ों पे. साथ ही साथ में सर हमने देखा कि सब्सिट्यूट नहीं है डिस्क्लोजर का, मॉडिफाइड ओपिनियन का, 700 डिस्क्लोजर का, मॉडिफाइड ओपिनियन का, 570 की रिपोर्टिंग का और इंडिविजुअल मैटर्स पे भी ओपिनियन नहीं है. अब आते हैं सर एक और मुद्दे पे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कमस्टांसिस इन विच मैटर डिटरमाइंड टू बी अ कैम इज नॉट कम्युनिकेटेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. लीजिए सर, तो सबसे पहला सर्कमस्टांस, लॉ रेगुलेशन प्रिक्लूड्स पब्लिक डिस्क्लोजर अबाउट द मैटर.
ऐसा मुद्दा जिसे सर लॉ रेगुलेशन ही मना कर देता हो, फॉर एग्जांपल सर बैंक्स के केस में, बैंक्स भी सर लिस्टेड कंपनी हो सकती है, बैंक के लिस्टेड कंपनीज होती हैं, तो बैंक के केस में आरबीआई ने कोई चीज़ करके मना कर दिया कि ये चीज़ आपने डिस्क्लोज नहीं करने का है, तो बात खत्म हो गई सर। अब सर ये मैटर जो है ये आप कैम के थ्रू भी सर रिपोर्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ बीइंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। दूसरी बात, कमाल की चीज़ है सर, अगर आपने पुराने कोर्स में एथिकल डिलेमा पढ़ा है तो आपको समझ आएगा कि सर जब कैम डिस्क्लोज करने से कंपनी का नुकसान ज़्यादा हो जाए इन कंपैरिजन टू पब्लिक का फायदा, ओ माय गॉड, जब कैम डिस्क्लोज करने से कंपनी का नुकसान ज़्यादा हो जाए इन कंपैरिजन टू पब्लिक का फायदा, हम कैम क्यों कर रहे थे, पब्लिक का फायदा हो, और सर हमारे कैम डिस्क्लोज करने से पता चला भाई कंपनी का नुकसान हो गया इतना ज़्यादा कि जितना पब्लिक का फायदा नहीं हो रहा था। एग्जाम्पल, कंपनी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उस डिस्प्यूट को सर वो बहुत ही नाजुक स्थिति में है, या कंपनी सर फ्यूचर में कोई नया प्रोडक्ट, नया बिजनेस, नई डिवीजन बनाने जा रही है जिसकी इन्फॉर्मेशन कंपनी भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, लेकिन सर उस पर खर्चा बहुत कर रखा है और भाई वो की ऑडिट मैटर बनता है, ऑडिटर कह रहा है बताऊंगा, कंपनी कह रही प्लीज मत बताओ इससे नुकसान ज़्यादा हो जाएगा फायदा कम होगा, नहीं हाँ इससे नुकसान ज़्यादा हो जाएगा फायदा कम होगा, मतलब कंपनी का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा और पब्लिक के लिए इररिलेवेंट है, तो उस केस में भी सर ऑडिटर जो है कैम की रिपोर्टिंग नहीं करेगा, लॉ ने मना करा है। या फिर सर ऐसा मैटर है जिसमें सर पब्लिक बेनिफिट कम हो रहा है, उनके लिए रेलिवेंट ही नहीं था, लेकिन उससे कंपनी का नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। आइए, लॉ रेगुलेशन प्रिक्लूड्स ऑल पब्लिक डिस्क्लोजर अबाउट द मैटर एंड इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस, दिस एक्सेप्शन हैज टू बी यूज इन रेयर सर्कमस्टांसेस, द ऑडिटर डिटरमाइन दैट मैटर शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड इन ऑडिटर रिपोर्ट बिकॉज द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डूइंग सो, उसे करने का जो नुकसान है वुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू आउटवे द पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट, उसे करने का जो नुकसान है वो पब्लिक बेनिफिट को आउटवे कर देगा, यानी कि इसको ऐसे समझिए कि भाई डिस्क्लोज करने का फायदा इतना ओके लेकिन नुकसान होगा इतना, तो भैया इस नुकसान ने आउटवे कर दिया है किसको, पब्लिक बेनिफिट को। अच्छा जी लीजिए सर, ओके आई होप ये बात आपको समझ आती है, ठीक है। This shall not apply if the entity has publicly disclosed information about the matter. बिल्कुल ठीक है सर, अगर एंटिटी ने खुद ही सर वो पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया वो मैटर को, तो भाई अब कैम में वो आएगा ही आएगा। तो एक मैटर मिला, मान लेते हैं ये एक मैटर है सर, इस मैटर को अगर मैं पब्लिकली डिस्क्लोज कर दूं तो सर कंपनी को होगा बहुत नुकसान, पब्लिक को सर इतना फायदा नहीं पहुंचेगा, लेकिन कंपनी ने खुद ही पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया है तो हमें क्या दिक्कत है, हम तो अपने कैम में डाल देंगे। आइए आगे कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। अब मैटर बंद नहीं हो गया, हाँ ठीक है, अ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफाइड ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 705, ध्यान से देखते जाइएगा। अब ये कमाल की चीज़ है सर, कमाल की चीज़, कहते जी जिस भी मैटर से आपका ओपिनियन मॉडिफाई हुआ और अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इवेंट और कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू गोइंग कंसर्न कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन अकॉर्डेंस विद 570, तो भाई ऐसा मैटर जिससे मॉडिफिकेशन हुई आपके रिपोर्ट में, या वो मटेरियल अनसर्टेनिटी जिससे सर सिग्निफिकेंट डाउट आ रहा है ऑन द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ये दोनों मैटर जिससे आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई हुई या फिर वो मटेरियल अनसर्टेनिटी जिससे सर सिग्निफिकेंट डाउट हो गया ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ये दोनों मैटर अपने आप में की ऑडिट मैटर हैं, ये दोनों मैटर अपने आप में की ऑडिट मैटर हैं, लेकिन सर हम इन्हें कैम सेक्शन में नहीं लिखेंगे, हमने इन्हें कैम सेक्शन में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। जरा देखिए क्या बोल रहे हैं सर, अ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफाइड ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद एसएस 705 और मटेरियल अनसर्टेनिटी आर बाय देयर वेरी नेचर आर की ऑडिट मैटर्स आर बाय देयर नेचर की ऑडिट मैटर्स दीज मैटर शैल नॉट बी डिस्क्राइब इन द की ऑडिट मैटर सेक्शन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट एंड द रिक्वायरमेंट एंड द रिक्वायरमेंट इन रादर शैल ऑडिटर शैल क्या करना पड़ेगा, देखिए इन मैटर्स को हम कभी भी जल्दी बताइए की ऑडिट मैटर वाले सेक्शन में ही लिखेंगे, कौन कौन से मैटर को, जिस मैटर से हमारी ऑडिट रिपोर्ट मोडिफाई हुई या जिस मैटर से सर मटेरियल अनसर्टेनिटी आ रही है ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, दे आर की ऑडिट मैटर्स, दे आर बाय देयर वेरी नेचर दे आर की ऑडिट मैटर्स, बट दे आर नॉट टू बी डिस्क्लोज अंडर द की ऑडिट मैटर सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, दे हैव टू बी रिपोर्टेड एज पर देयर रेलिवेंट एसेज, जरा देखिए रिपोर्ट ऑन दिस मैटर इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एसेज 705-570 include a reference to basis for qualified opinion or material uncertainty relating to going concern in the key audit matter section. तो हम अपने key audit matter section में reference दे सकते हैं इनका, लेकिन सर हम इन्हें सिर्फ और सिर्फ key audit matter section से ही communicate नहीं करेंगे, right? अच्छा जी, if the audit determines depending upon the facts and circumstances of the entity and the audit that there are no key audit matters to be communicated, लो भाई auditor कह रहा यार पूरी company में कोई key audit matter ही नहीं है, हाँ कुछ मुद्दे थे जो मैंने TCWG को कम्युनिकेट करे,
लेकिन इनमें से कोई भी इतनी सिग्निफिकेंस का नहीं है कि मैं इसे बोल पाऊँ की ऑडिट मैटर। अच्छा जी, और दैट ओनली की ऑडिट मैटर कम्युनिकेटेड आर दोज मेंशन अबव, यानी कि या तो की ऑडिट मैटर है ही नहीं, या तो की ऑडिट मैटर कौन कौन से, 705 वाले, 570 मटीरियल अनसर्टेनिटी वाले। द ऑडिटर शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट टू दिस इफेक्ट इन अ सेपरेट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट अंडर द हेडिंग की ऑडिट मैटर्स। लीजिए, तो भाई बात ऐसी है कि लिस्टेड एंटिटी के केस में या फिर उन एंटिटी के केस में जिसमें ऑडिटर डिसाइड कर ले, या उन एंटिटी के केस में जिसमें सर किसी लॉ रेगुलेशन ने बोला हो, अगर इन तीनों तरह की एंटिटी के केस में कोई की ऑडिट मैटर नहीं है, या फिर जो की ऑडिट मैटर है वो सिर्फ दो हैं, 705 वाले, 570 वाले, तो ऑडिटर को ये बात क्लियरली एक सेक्शन बनाना पड़ेगा, की ऑडिट मैटर सेक्शन, उसके अंदर ये बात लिखनी पड़ेगी कि भैया इनका ऑडिट करते मुझे कोई भी की ऑडिट मैटर जो है वो नहीं मिला, या मिला तो सर वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा था, 705 वाला, 570 वाला, जिसके लिए सर मैंने अलग से रिपोर्टिंग अपनी इसी रिपोर्ट में कर रखी है। राइट, गोइंग कंसर्न का अलग से पैराग्राफ बन गया नहीं ऑडिट रिपोर्ट में, 705 सर बेसिस फॉर ओपिनियन, ऑडिटर ओपिनियन में आएगा ही आएगा, तो हम की ऑडिट मैटर में लिख देंगे, या तो कोई मुद्दा नहीं है ये लिख देंगे, या फिर ये दोनों मुद्दे थे और ये दोनों मुद्दे मैंने पहले अपने ओपिनियन में या फिर मैंने गोइंग कंसर्न वाले पैरा में डील कर लिए हैं। राइट, दैट्स इट। लीजिए सर, कम्युनिकेशन का मजेदार चीज़ थी सर, कितना मजा आया इसको पढ़ने में, ये देखो भाई, तो कम्युनिकेशन करना है, बिल्कुल करना है, हमने डिस्क्राइब करना है, एप्रोप्रिएट हमारे क्या रहेगा, ईच की ऑडिट मैटर को सर हमने डिस्क्राइब करना है यूजिंग एन अप्रोप्रिएट सब हेडिंग, एक सेपरेट सेक्शन बनाएंगे। मेरा दिमाग इस समय कहीं और चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि दिमाग कहाँ चल रहा है, थोड़ा सा परेशान हूँ, शायद मैं इस वीडियो की शुरुआत में वो चीज़ आपको बता चुका हूँगा, मैं अलग से एक वीडियो शूट करके लगाऊंगा, इससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो भाई हम एक सेपरेट सेक्शन बनाएंगे की ऑडिट मैटर के नाम से, की ऑडिट मैटर के नाम से हम सेक्शन बनाएंगे, उसके अंदर हर की ऑडिट मैटर को लिखेंगे सब हेडिंग फॉर्म में, की ऑडिट मैटर को लिखते समय बताएंगे कि हमने क्यों की ऑडिट मैटर कंसिडर किया है और हमने इसको एड्रेस कैसे किया है। राइट, साथ में सर की ऑडिट मैटर का जो सेक्शन होगा उसमें सर हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ डालेंगे और बताएंगे कि की ऑडिट मैटर क्या होते हैं, और सर हमने जो है इनका ऑडिट जो है इनको एड्रेस जो है वो हमने ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में किया है, इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं दिया है। साथ साथ में सर की ऑडिट मैटर इन चार चीज़ का जो है सब्सटीट्यूट नहीं होता है। फिर हम लोग बोलेंगे कि सर ऐसा है कि भाई इन मुद्दों पे आपको, अगर आपके पास ये सर्कमस्टांसेस हैं तो आपको की ऑडिट मैटर देने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपका जैसे कि लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट कर रहा है, या फिर सर जो पब्लिक बेनिफिट है उससे ज़्यादा तो एडवर्स इफेक्ट होने वाला है, यानी कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिस्क्लोजिंग द की ऑडिट मैटर आउटवेज द पब्लिक बेनिफिट। राइट, देन उसके बाद सर हम लोग बोलेंगे कि भाई देखो अगर आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई होनी है, या फिर सर मटेरियल अनसर्टेनिटी विच का सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न है 570 में, अगर आपको इन दोनों की रिपोर्टिंग करनी है तो भाई ये बाय देयर वेरी नेचर दे आर की ऑडिट मैटर्स, बट सर इसको आप रिपोर्ट करेंगे एज पर द रेलेवेंट एसेज, और साथ ही साथ में ध्यान रखेंगे आप अपने की ऑडिट मैटर में इसका एक रेफरेंस भी दे देंगे। राइट, और अगर कोई की ऑडिट मैटर है ही नहीं रिपोर्ट करने के लिए तो सुन लीजिए इस बात को, कोई डरने की बात नहीं है, तब भी सर आप की ऑडिट मैटर सेक्शन जरूर बनाएंगे लिस्टेड एंटिटीज के केस में, उसमें लिख देंगे क्योंकि कोई की ऑडिट मैटर नहीं है, और साथ में बताएंगे अगर 705 और 570 वाले हैं तो हाँ भाई 705 570 वाले की ऑडिट मैटर थे और उन्होंने रिलेवेंट जगह पर जो है डील कर रखा है। कम्युनिकेशन में TCWG डॉक्यूमेंटेशन आपने करने का है। ऑल दी बेस्ट गाइज, पढ़ते रहें, सीखते रहें, प्यार बरसाते रहें अपना मेरे ऊपर, हमारे इस चैनल के ऊपर, और बस पास होकर दिखाएं, मेरी फीस इतनी सही है। ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट, जय हिंद, और हाँ सीखते रहें क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टू द मून एंड बैक।